नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म की जो बाई प्रोडक्ट है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है, लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं, मज़दूरों का हिस्सा साल किया जाता है और अमीर अमीर तर होता चला जाता है और ये डिफरेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तो इस सूरत में कार्ल मार्क्स, जो कि खुद एक यूरोप के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि कम्युनिज्म है, वो उनकी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो और उनके एक साथी फ्रेडरिक एंजल्स ने जो कि 1848 में मंजर आम पर आती है लिखी थी, और उसमें उन्होंने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें ये है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट होते हैं और स्टेट की ही सब कुछ होता है, स्टेट की मलकियत होती है, जितनी भी लैंड है, लेबर है, इसी तरीके से लोगों की सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, सबका सब कंट्रोल्ड बाय द स्टेट होता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई ओनर जो है वो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ स्टेट ही ऑन करती है, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फॉर्म्स हैं, सब कुछ स्टेट का है और मार्केट को भी स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है और लोगों के पास च्वाइसेस भी नहीं होती। स्टेट जो डिसाइड कर देती है कि लिबास से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा, ड्रिंक से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होगा, गाड़ियों से या मोटर बाइक से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होगा, तो वो ही सिर्फ मार्केट में सेल और परचेज किया जाता है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द स्टेट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, मार्केट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और च्वाइसेस भी लोगों के पास नहीं होती। तो ये है कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म में होता क्या है कि कुछ लोग शुरू में जो है वो कुछ विजन के लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपने एक लीडर मुंतखब करते हैं और वो लीडर उस मुल्क को चलाता है, और ये लोग डेमोक्रेसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करते और वो जो एक पार्टी है और उसका जो हेड है वो ही मुल्क को चला रहे होते हैं और इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सामने नहीं आता। तो ये है जी कम्युनिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स की किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बिलोंग करती है, वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है।